बठिंडा के परशुराम नगर में 24 घंटे पहले बनी सड़क बारिश पड़ने के साथ बह गई, जिसके चलते लोगों द्वारा जिला प्रशासन को जमकर कोसा गया और कहा कि ठेकेदार सरकार को चूना लगाकर मोटी कमाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश का सीजन चल रहा है और मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि 3 दिन बारिश पड़ेगी, लेकिन ठेकेदार ने सड़क बनाने की जल्दबाजी की जिस कारण ये सड़क बारिश में बह गई। उन्होंने कहा कि सरकार जो आम लोगों से टैक्स लगाकर पैसे वसूलती है उसका नुकसान हुआ है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। नगर गोलकर रोड से जी सड़क बनी है बनी अजे 24 घंटे भी नहीं है। 24 घंटे तो मैं अज की गल कर रहा, बरसात तो पहला भी कल इतने सारी उखड़ गई सी, सारी बजरी इतने कट्ठी करा के साइड पर रखी है। पता नहीं कहड़ा ठेकेदार इनू पा रहा है, किवें इनू कराया जा रहा, जबकि सौन भादों के महीने के अंदर बरसातों के महीने ही कभी भी लुक नहीं पी। पर यह धक्केशाही के नाल पवाई गई या कि इनका दिखावा करना चाहते हैं विकास का, यह समझ नहीं आई मेरे। विकास तो नज़र आ रहा, एक पास सड़क टुटी पी, दूजे पास पानी भरया पे, ये तो बठिंडे का विकास है। पर जोड़े अफसर साहबान है उंज तो हर गल के कर देंगे, पर जड़िया सड़क वधिया पई सी, मैं विकास की कोई निंदा नहीं करता, विकास करना वधिया गल है, पर आ सड़क वधिया पईयां सी, जड़िया गलियां टुटिया पईयां, बहुत बुरा हाल है। इधरों प्रताप नगर 10 नंबर ला लो, आ 2 नंबर ला लो, गुरुद्वारा शहीद संदीप सिंह वाली गली के 2-3 गलियां देखो, वो सड़कों पर कोई निगाह नहीं मारी, जिहड़ियां सड़कां वधिया सी वह बना दित्तियां जी। ते आ टोटा कहिंदे साफ है, जबकि सारी सड़क ये जी सी जिहड़ा टोटा पिया, इहनू टोटे नूं छड्डता लभी साफ है। जदों बरसात नहीं पैंदी हुण इहदा लक्खां रुपए जिहड़ा नुकसान होया साडे लोकां दा, उहदा जिम्मेवार कौन है? ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ 8-9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਖੜ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ 3 ਲੇਡੀ ਚੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਟਰੀ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਝਾੜੂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਬਜਰੀ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਧਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ।